है दोस्तों, मैकडोनगंज स्क्वायर मार्केट में मैं आपका अभी स्वागत करता हूं। और इस टाइम आप शाम के टाइम पे देख सकते हैं यहां पे कितना रश है इस पूरे मार्केट में। तो यहां पे मैं आपको मार्केट का पूरा एक ओवरव्यू दूंगा, मार्केट पूरा घुमाने वाला हूं। काफ़ी सारे कैफेज वगैरह ऐसा भी होते हैं, कुछ मेरे टूरिस्ट भाई वगैरह भी आए हुए हैं यहाँ पे, हेलो कर रहे हैं। हाय, हेलो सर, हाउ आर यू? मैंने आपका बहुत ब्लॉग्स देखे हैं, काफी देखे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं हम यमुनानगर से आ रहे हैं, यमुनानगर हरियाणा से। हरियाणा से आ रहे हैं। यस यस, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ की ब्यूटी जो कैप्चर कर रहे हैं अपने यूट्यूब पेज के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए। प्लीज इसको एक्सप्लोर करें एवरीवन, बहुत अच्छी जगह है। अगर आप इसे ऊपर जाएंगे धर्मकोट, अगर ऊपर अपर बागसू जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल है। यू हैव टू सी द ब्यूटी ऑफ हिमाचल। It is need to be explored, and that's why we are here to explore and have the very wonderful time that we are here. That's great. तो मेरे सब्सक्राइबर भी हैं ये। Okay, thank you. आप लोग enjoy करते रहो। बिल्कुल, एक छोटा सा मीटअप हो गया अपना। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा। Thank you. घूमो और enjoy करो आप। Thank you. Share करें और follow करें। जय नाना। Sure दोस्तों। Subscribe, follow, like and share. Thank you very much. Thank you. और दोस्तों, ये मेरे सब्सक्राइबर यहाँ मिल गए थे और मिलते रहते हैं मेरे व्यूअर्स वगैरह, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे इस मार्केट के पास आप देख रहे हो काफ़ी रश है यहाँ पे अभी। जैसे इस मैकडोनगंज स्क्वायर के पास अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आप चले जाएंगे भागसूनाथ वाटरफॉल, और वहीं पर मंदिर भी है। ए वाले रास्ते से आप जाएँगे तो आप निकल जाएँगे डल लेक और नडी। यहाँ से आप धर्मशाला से आएँगे और ये वाला रास्ता जो है, ये दलाई लामा टेम्पल वाला रास्ता है ये वाला। तो मेन मार्केट तो इधर से ही मिलेगा दोस्तों, तो मैं आपको ओवरव्यू इधर से ही देने वाला हूं। और घूमते हैं यहां पे शाम के टाइम पे दोस्तों। मैकडोनगंज स्क्वायर और मार्केट, ये मेनली यहां पे अपने गिफ्ट आइटम्स वगैरह के लिए फेमस है, और कैफेज के लिए काफ़ी सारे आपको कैफेज मिलेंगे यहां पे। और स्टार्टिंग पे ही स्क्वायर पे ही यहाँ पे 200 आइटम्स वगैरह हैं। बट इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो तिब्बतन फूड वगैरह का काफ़ी बड़ा आपको कैफे चेन्स वगैरह मिल जाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के भी मिल जाते हैं। और ये सब देखिए रेस्टोरेंट वगैरह ऐसे मिलते रहेंगे। तो मैंने तिब्बतन फूड, थुपका, मोमोज, डिमसम वगैरह सब मिलते रहते हैं। जैसे सब तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मोमोज वगैरह सेल कर रहे हैं। हाय, इसके अलावा काफ़ी सारे कैफेज वाले भी हैं। और ये देखिए स्ट्रीट पे ही ये आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलने वाली है अभी स्ट्रीट पे ही। देखिए पनीर, यहाँ पे दूसरी चीज़ों की शॉप भी है, जैसे शूज वगैरह की बात करें और अगर यहाँ पे वुलेंस की बात करें तो सब चीज़ें भी हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात है रश, रश ज़बरदस्त है दोस्तों यहाँ पे मैकडोनगंज में। शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होती है यहाँ, तो लाइन से ही स्ट्रीट वेंडर्स वाले लगे हुए हैं अपने मोमोज को सेल करने में। और यहाँ पे ये देखिए तिब्बतन स्टाइल के भी और कुछ लोकल मेड आइटम्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। जैसे अगर आप देखेंगे कप्स वगैरह मिलेंगी आपको, थोड़े से स्टाइलिश वगैरह मिल जा रहे हैं। तो जनरल स्टोर्स की शॉप है इसके सामने, ये देखिए ये बुद्धिस्ट टेंपल है। ये बिल्कुल मैकडोनगंज स्क्वायर के जस्ट 50 मीटर्स अंदर आने पे ही एक जगह मिल जाती है, टेंजिंग। ये भी गिफ्ट आइटम्स का ही शॉप है। ये सब देखो, ये बैग्स वगैरह भी हैं, सेलिंग बैग्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, कप प्लेट्स और काफ़ी सारे हैंगिंग आइटम्स भी मिल जाते हैं शॉप में। और बिल्कुल उसके सामने बुद्धिस्ट टेंपल जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो यहाँ पे ये प्रेयर व्हील भी है। थोड़ा सा इसको हम लोग इसको थोड़ा क्लॉकवाइज मोशन में चला लेते हैं हम लोग। दोस्तों बोलते हैं इससे पॉजिटिव वाइब्स चारों ओर स्प्रेड होती है। इस प्रेयर व्हील का सबसे बड़ा फायदा ये है। अभी तो मुझे देख के काफी सारे लोग यहाँ पे आ गए प्रेयर व्हील को चलाने के लिए। इतना रश है कि मत पूछो आप। गाड़ियां भी चल रही हैं लेकिन बहुत ही कम, बाइक वाइक और जो कार वाले हैं बहुत ही कम है, पैदल चलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है।
यहाँ पे भी दोस्तों देखिए अगर आप, तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगी आपको। मैं आपको कंटिन्यूस दिखाते जा रहा हूँ। ये वही वाला रास्ता है जिससे हम दलाई लामा टेम्पल की ओर जा सकते हैं। ये उस रास्ते के मैं आपको मार्केट का ये ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ सामने में कैफे है कैलाश कुंगा, तो कैलाश कुंगा में भी आपको सामने वाले कैफे में आपको थुपका वगैरह मोमोज वगैरह ऐसा मिल जाते हैं। तो बेकरी आइटम्स वगैरह हैं यहाँ पे, इतनी रश वगैरह नहीं दिख रही है। रश दिख रही है केवल जहाँ पे तिब्बतन फूड वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे रश दिख रही है। यहाँ भी देखिए समोसे टिक्की वगैरह सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी रश नहीं है। अकामा ये देखिए, ये सारंगी भी बजाते हुए। पर्सनल केयर की शॉप वगैरह है, तिब्बतन ट्रांजिशनल, यहाँ पे तिब्बतन आइटम्स वगैरह हैं, गिफ्ट आइटम्स वगैरह सब सारी चीज़ें हैं यहाँ पे भी। तिब्बतन देखिए अटायर वगैरह ड्रेसेस वगैरह हैं, स्लिंग बैग्स वगैरह भी जूट के बने हुए हैं, ये बैकपैक वगैरह भी बने हुए हैं। इधर भी देखिए ड्रेसेस, इसको शायद तिब्बतन चुप्पा तिब्बतन चुप्पा लिखा हुआ है, यहाँ पे तिब्बतन चुप्पा लिखा हुआ है। तो शायद ये अलग अलग वेराइटीज होती हैं ड्रेसेस की। ये देखिए ये वुलन में भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों साइड में ही शॉप्स हैं, और मोस्टली जो है खाने पीने की चीज़ों की ही यहाँ पे शॉप्स ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, यहाँ पे ट्राईपॉड वगैरह मिल जाएंगे, तो ये वाले शॉप्स वगैरह हैं। स्ट्रीट वेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं, देखिए यहाँ हिमाचली सिड्डू मोमो ये सब सारी चीज़ें हैं, फ्राइड चिप्स वगैरह भी बनाते हुए सामने। तो फ्रूट चाट का भी शॉप है, और देखिए इधर थोड़ा सा स्पेशस हो गया है रोड, थोड़ा सा खुल गया है यहाँ पे। यहाँ पे भी दोनों साइड दुकानें तो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और ये इनकी दिख रही है जनरल स्टोर्स की शॉप्स वगैरह दिख रही हैं। इधर कपड़ों की दुकानें जो हैं ज़्यादा दिख रही हैं, और फिर ये होटल बार एंड रेस्टोरेंट, तो इसकी शॉप वगैरह भी, ये आउटलेट्स वगैरह भी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इधर काफ़ी स्पेशियस हो गया है। अब थोड़ी ही दूरी पे इधर दलाई लामा टेम्पल भी है, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। लगभग 300 मीटर और है यहाँ से आगे चलने पे, और मार्केट्स यहाँ से आगे भी हैं। यहाँ पे छोटे दुकानदार भी बैठे हुए हैं, तो काफ़ी सारी वेराइटीज़ के साथ देखिए माला वगैरह स्टोन्स वगैरह भी बने हुए हैं, बड़े सुंदर सुंदर गुहाज वगैरह भी हैं। तो ये सब है, ये इधर भी है, देखिए सड़क के दोनों ही साइड में है। और ये टेम्पल रोड है यहाँ का मैकलोडगंज का। यहाँ पे भी देखिए बड़े सुंदर सुंदर माला वगैरह है। यहाँ पे भी देखिए सारंगी बजा रहे हैं, धुन बड़ी अच्छी धुन है इनकी। इधर भी लोकल वेंडर्स वगैरह हैं, इधर भी आपको ये माला वगैरह के छोटे छोटे की रिंग्स वगैरह के, और बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स वगैरह भी हैं। देखिए पेन वगैरह भी हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह भी हैं। तो दोस्तों यहाँ से आगे अब जो शॉप्स की डेंसिटी है वो कम होते जाती है। इधर दोस्तों यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक इस साइड वाला, ये तो मंदिर वाला रास्ता है, जस्ट 1 किलोमीटर से कम है उसके डिस्टेंस जो दलाई लामा मंदिर है वहाँ पे, तो दिन में जा सकते हैं। अभी तो बंद हो जाता है, सुबह 4 बजे खुल जाता है फिर ये। और ये जो राइट साइड का है ये रास्ता यहाँ पे, ये हिमाचल टूरिज्म की होटल भी है, तो आप चाहें तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो बाज़ार का एरिया है वो इन सब एरियाज में आने के बाद यहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं, और जो मेन रौनक है वो स्क्वायर पे ज़्यादा है चौक के आसपास। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा होटल भी दिखा है हमें, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी इतना कंजेस्टेड है कि मत पूछो। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ मैकडोनल्ड्स में,
और अगर आप गाड़ी लेके अगर आप यहाँ से आते हैं दोस्तों, इस वाले रास्ते से जो मेन रास्ते से हम आए थे स्क्वायर से, तो यहाँ से अगर आपने वापस जाना है तो आप वापस इधर से नहीं जाके यहाँ से जाना होगा, इस रास्ते से जाना होगा, और ये फिर आगे से लेके आपको वापस मैकडोनल्ड्स स्क्वायर पे छोड़ देगा, वहाँ से फिर आपको जहाँ जाना होगा जा सकते हैं। लेकिन गाड़ियाँ लाना अवॉइड करें इस एरिया में पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पे रश बहुत है और ट्रैफिक बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों अभी मैं वहाँ से आपसे बात कर रहा था और लोकेशन बता रहा था, ये वही मंदिर वाला रास्ता है, तो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये देखो आप, थोड़ा मैं आपको आगे भी लेके चलूँगा, इसी बीच मैं थोड़ा आपको एक दुकान भी घुमा देता हूँ, काफ़ी नज़दीक से मैं चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये भी ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे ये गिफ्ट आइटम्स के ही शॉप हैं। ये देखो आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेटल की बनी हुई मैक्सिमम चीज़ें दिख रही हैं। ये देखो तलवार वगैरह ढाल लगी हुई हैं, मस्त, क्या बात है। ये यहाँ पे प्रेयर व्हील्स भी हैं, तो ऐसी दुकानें यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं, शॉप्स जहाँ पे आप सुवेनियर्स गिफ्ट आइटम्स वगैरह ले सके। देखिए विंड चाइम, क्या देख रही हो, चेस। ये देखो आप, ये ना चेस कैसे यहाँ पे बना हुआ है, एक डार्क ब्राउन है और एक है येलो, ये क्वीन है। अच्छा क्वीन है, सब पता भी है तुम्हें। हाथी से ये भी देखो, ये तो हॉरर मूवी के स्टाइल में बना हुआ है। ये गणेश जी, ये देखिए गणेश जी कितना बढ़िया बनाया हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे सुवेनियर्स गिफ्ट आइटम्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। ये देखिए गजराज को, हाथी जी महाराज को, ये कितने का है हाथी जी? 8000। ये हाथी जी 8000 के है। दोस्तों दो चीजें ली हैं हमने, ये प्रेयर भी ली हो और ये बुद्धा, ये मेडिटेशन मोड पे बुद्धा है, ये लाइफ पे खुद ही हिलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, और ये प्रेयर व्हील। अच्छा ये आपकी ये दुकान यहाँ पे कब से है, कितने टाइम से? ये वाली शॉप पे तो भैया 4 साल, 4 साल हो गए यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट किस टाइम पे आते हैं मैकडोनल्ड्स में? नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ मतलब अप्रैल और मई जून, जब तक बारिश शुरू होगी तब कम हो जाते हैं। अच्छा और विंटर्स में भी आते हैं? विंटर्स में भी ठीक रहते हैं। स्नोफॉल होता है यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में, स्नोफॉल भी होता है। तो दोस्तों ठंडा मौसम होता है यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में, और शिमला की तरह ही बिल्कुल मैचिंग वेदर है यहाँ का भी, क्लाइमेट वैसा ही है। काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पे हैं, और मेनली जो है यहाँ पे इस शॉप पे देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स, उनकी वेराइटीज, कलर, शेप, साइजेस बिल्कुल डिफरेंट, कोई स्क्वायर है, कोई राउंड है, कोई सर्कुलर है, कोई हार्ट शेप है, कोई बैटन शेप भी है, देखिए पिरामिड शेप भी है, बॉल की तरह बिल्कुल। इस शॉप पे देखें तो ये देखिए यहाँ पे ग्लास की अलग अलग पात्र मिल रहे हैं, पॉट्स। यहाँ पे देखिए ये बेल्स भी है, घंटी। स्टोन्स की शॉप में हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे भी देखिए अलग अलग टाइप के स्टोन्स हैं। अब इतने नाम और वैरायटीज तो मुझे दोस्तों पता नहीं है, ये सबका अलग अलग यूज है। आपको क्या करवाना है? काफी कुछ वैरायटीज हैं शॉप में। पेमेंट करवानी है? तो करवा लीजिए ना। ये देखिए स्टोन्स, शेप साइजेस अलग अलग हैं। तो दोस्तों इधर तो काफी मार्केट एक्सटेंडेड है आगे तक, और सुवेनियर गिफ्ट आइटम्स के शॉप्स ही ज्यादा दिख रहे हैं स्टोन्स के, और
कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल के बर्तन वगैरह भी हैं, वो सब शॉप ज़्यादा दिख रहे हैं। ये देखिए, ये नेचुरल चीज़ों से बनाया हुआ जूट का और कॉर मटेरियल को यूज़ किया गया है, उस टाइप के प्रोडक्ट को यूज़ करके इन सब चीज़ों को बनाया गया है। यहाँ पे देखिए मेटल के सुवेनियर्स वगैरह हैं डिफरेंट, ये स्टिकर वगैरह हैं यहाँ पे। इधर सामने शॉल्स वगैरह और वॉल हैंगिंग्स वगैरह की शॉप है। थोड़ा सा और आगे भी यहाँ पे मार्केट है अभी शॉल में। देखिए इधर पश्मीना, कश्मीरी, अलग अलग वैरायटीज वगैरह दिख रही हैं। देखिए कितना बड़ा पात्र है ये, ये ब्रास के सारे पॉट वगैरह हैं, प्योर वूल। अन्नपूर्णा यूनिक फैशन। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से लौट आए हैं जहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है। मंदिर जाने का प्रोग्राम हमारा कल का है, वैसे भी रात को तो बंद ही होता है अभी। तो मार्केट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया, यहाँ पे दिखाया यहाँ के मार्केट कैसे दिखते हैं मैकलोडगंज के। अभी आपको लेके चलता हूँ मैं थोड़ा सा जो एरिया बचा हुआ है जहाँ से एक गाड़ी आके जहाँ से वो टर्न होती है जब वापस जाने के लिए जो मैंने बताया था, उस जगह से हम लोग फिर अभी चलेंगे। तो दोस्तों इस रास्ते से हम लोग ये उधर की ओर गए थे टेम्पल वाले रास्ते को, उधर से लौट के आए हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से ये मेन मैकलोडगंज स्क्वायर से आने के बाद जब गाड़ी यहाँ से घूमती थोड़ा सा यहाँ से अंदर की ओर ये मार्केट देखते हैं हम लोग। तो सारे रोड यहाँ पे वन वे हैं, टू वे की जगह भी नहीं है एक्चुअली, तो वन वे की जगह भी यहाँ पे नहीं है। जैसे तैसे करके यहाँ पे ये बोल सकते कि काम ही चल रहा है और तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। इधर भी देखिए काफ़ी सारे शॉप्स वगैरह हैं, अशोका रसोई। इधर भी तो लगभग ये भी 300-400 मीटर्स का एक मार्केट है यहाँ से, इसकी लंबाई अगर देखें तो। और इसके जस्ट बगल में पैरेलल वो मेन तो था ही जो मंदिर रोड था वो वाला मार्केट, मंडाला ट्रेजर आर्ट। दोस्तों अब मैं इस रास्ते से होते हुए, वैसे यहाँ भी काफ़ी सारी दुकानें थी इस रास्ते में भी, और इस रास्ते से हम लोग फिर उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। वे मैकलोडगंज स्क्वायर आ गए हम लोग चौक। तो हम लोग गए थे दोस्तों वहाँ पे, उस रास्ते से हम लोग गए थे, इधर से आ गए हैं। यहाँ पे भीड़ इतनी है आप देख लो, ये मतलब पूरा यहाँ पे मकर जाल है दोस्तों, मकर जाल इस जगह पे अगर आप देखोगे तो। ये देखो आप चारों ओर ही मतलब तो कांटों की तरह है, यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल फैली हुई हैं। देखो अब इधर से भी आ रही है, उधर से भी है, इधर से भी है। तो ये देखो आप यहाँ पे चारों ओर। तो दोस्तों मैंने आपको ओवरव्यू दिया मार्केट का, इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में मैंने आपको घुमा तो दिया है। दोस्तों होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय माय फ्रेंड्स।